आपसी फूट बनी कलह की वजह। अचानक हुआ हमला, जान बचाकर भागे भाजपा नेता भंडारी। उदयपुर से अब तक की बड़ी खबर। भाजपा वर्तमान जिला अध्यक्ष सनी पोकरणा और कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु बागड़ी पर जमकर हमला कर दिया। 20 से 25 युवा गजेंद्र भंडारी के कार्यालय भूपालपुरा पहुंचे, जहां पर हिमांशु बागड़ी भी मौजूद था। 20 से 25 लोगों ने हिमांशु बागड़ी और पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी पर हमला कर दिया, उनके कार को भी क्षतिग्रस्त किया और उनके कार्यालय को भी नुकसान पहुंचाया। गौरतलब है कि जब से भाजपा के संगठन ने नई जिम्मेदारी सनी पोखरणा को भाजपा जिला अध्यक्ष बनाया, तब से गजेंद्र भंडारी पूर्व जिला अध्यक्ष से विवाद चल रहा था। गजेंद्र भंडारी ने स्टेटमेंट में कहा, सारी घटना सनी पोखरणा और उनके कार्यकर्ता के द्वारा की गई और कुछ नकदी भी ले गए। नवभारत समाचार, राजस्थान के उदयपुर कानोट से अभिषेक घीक की रिपोर्ट। अभी कुछ देर पहले मेरा युवा मोर्चा का शहर जिला मंत्री पूर्व शासन अध्यक्ष हिमांशु बागड़ी, नरपत सिंह गहलोत, रजत सोनी, अमित माली और ओम टाक और नितिन जैन, हम 6-7 जने बाहर यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और 2-3 गाड़ियाँ आके रुकी। हम उस बात को कुछ समझ पाते, उससे पूर्व उन्होंने हिमांशु बागड़ी के ऊपर तलवार घुमाई और उसको स्कॉर्पियो में डालने के किया। उनके साथ में कुछ 15-20 जने थे और कुछ टू व्हीलर पर भी थे। उन्होंने डायरेक्ट आते ही तलवार से हमला कर दिया। हम कुछ समझ नहीं पाया इसमें, देखता देखता उतनी देर में हिमांशु को उन्होंने गाड़ी में डाल दिया और हम थोड़ा दूर भागे, क्योंकि उन सब हथियारों से लैस थे। एक के पास रिवॉल्वर भी थी, बंदूक भी थी और 3-4 जन के पास तलवारें थी। उन्होंने डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक किया, उसके बाद उसकी गाड़ी को भी, मैं भागता हूँ पीछे, अपने पास में सुषमा जी कुमावत थे उनके ऑफिस में चला गया। और फिर जब हमने यहाँ पर आके देखा तो हिमांशु के तलवारों से लगी हुई थी, उसकी पूरी गाड़ी फोड़ी हुई थी। मेरे अंदर का जो ऑफिस है उन्होंने पूरे कांच से फोड़ रखा था और अंदर कुछ कैश भी पड़ा होता। अभी तक हमने कैश देखा नहीं, शायद अगर वो कैश पड़ा है या नहीं पड़ा इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। और उन्होंने जो सनी पोखरणा, जो युवा मोर्चा का वर्तमान जिलाध्यक्ष है जिसको संगठन ने बनाया, इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को अगर संगठन जिलाध्यक्ष बनाता तो इसका अंजाम यही होता, जिससे पार्टी को भी नुकसान होता। उसके साथ जो 15-20-25 जने होते थे वो सभी आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को पहचानते भी हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगाओ, सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब कुछ आ जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने राजनीति को लेकर इस प्रकार का व्यवहार किया, जो कि कतई उचित नहीं है। कारण क्या है? निश्चित तौर पर जहाँ तक तो मैं समझ नहीं पाया कि किस प्रकार का कारण है। आते उन्होंने हिमांशु बागड़ी के ऊपर हमला कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सनी पोखरणा जो चाहता था कि वो गजेंद्र भंडारी बनने की कोशिश करे, युवा मोर्चा का कार्यकाल जिस प्रकार से निकाल पाए, लेकिन वो कुछ ही दिनों में उसकी गतिविधियों के कारण फ्लॉप हो गया। उसी प्रकार से उसके मन में आवेश था और उसने कुछ दिनों पूर्व भी, अभी 2-3 दिन पहले भी गाली गलौज करी, पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी गाली गलौज करी, हिमांशु के साथ में भी कुछ धक्का मुक्की करने की कोशिश करी थी। उसी के आवेश में आकर उसने इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में कतई उचित नहीं मानता हूँ मैं। कोई पुराना राजनीतिक झगड़ा आपके आपस नहीं? किसी प्रकार का राजनीतिक झगड़ा नहीं, वो तो खुद मेरी टीम में जिला उपाध्यक्ष था, उसको तो संगठन ने पार्टी से बाहर निकाल रखा था। 2012 के अंदर पंकज बुराना के चुनाव के अंदर जो विद्यार्थी परिषद के अगेंस्ट में था, लेकिन 2-3 साल बाद जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मैंने उसको जिला मंत्री बनाया, फिर जिला उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद ठीक है उसका लगा तो मैंने भी उसका कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष के अंदर दिया, लेकिन वह उस चीज़ को या तो पचा नहीं पाया या उस चीज़ पर उतर नहीं पाया और हिमांशु के ऊपर आते उन्होंने हमला कर दिया, जो कि काफ़ी उचित नहीं है। अब संगठन के समक्ष भी हम ये जानकारी देंगे और संगठन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है वो देखना है। सनी पोखरणा तो सेम था, मैं आई विटनेस उसका होते हैं, उसने मेरे पर भी हमला करने की कोशिश करी लेकिन मैं नीचे झुक गया। और सनी पोखरणा के साथ में कुछ ऐसे चेहरे जिनको मैं जानता हूँ, उनके भी नाम जैसे एक राहुल लेमनानी करके था, एक सेक्टर 14 को कुलदीप सिंह करके बताते हैं, और सीसीटीवी कैमरे में सबके फोटो आ जाएंगे। राहुल लेमनानी